आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रिएक्शन मैकेनिज्म का अगला लेक्चर। हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट कर चुका था। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसको हम एरोमेटिक केमिस्ट्री में खत्म करेंगे और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को हम लोग फ्री रेडिकल केमिस्ट्री में खत्म करने वाले हैं। हम लोग यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी सब्सट्रेट की, आखिरकार आपको कहां कहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, मैंने बात की थी, एक तो आपको पढ़ना है एट सैचुरेटेड कार्बन एटम या एट सैचुरेटेड कार्बन एटम, जहां पर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की स्टडी करोगे। सैचुरेटेड में हमारे पास सबसे पहले क्या आया था? एल्काइल हैलाइड आया था। फिर क्या आया था? एल्कोहल आया था। उसके बाद हमारे पास क्या आया था? ईथर आया था। तो मतलब इन तीन जगह हम यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करने वाले हैं। वहीं पर दूसरा जो कैटेगरी था वो था हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट कार्बोनिल कार्बन। और अगर हम कार्बोनिल कार्बन में बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स होते थे वो सारे ही एसिड डेरिवेटिव्स की हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। अब एसिड डेरिवेटिव्स बोले तो एसिड डेरिवेटिव्स में आपके पास सबसे पहले आ जाएगा एसिड क्लोराइड, या फिर आप बोल सकते हो एसिड हैलाइड। उसके बाद आ जाएगा आपके पास एसिड एस्टर, फिर आ जाएगा एसिड एनहाइड्राइड, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास एसिड अमाइड। तो इन सब जगह हम क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, और इस केमिस्ट्री को थोड़ा सा टाइम देंगे, क्योंकि पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म में जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिएक्शन होता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और सब्स्टिट्यूशन में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो हम यहाँ पर इत्मीनान से टाइम देंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करेंगे, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एल्काइल हैलाइड। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, हम लोग एल्काइल हैलाइड में जरूर पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं SN1 मैकेनिज्म के बारे में, एकदम सिक्वेंस में चलेंगे। देखो, मैंने आपको बोला था कि यदि हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखना होता है तो हमारे पास लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, एस बड़ा और छोटा एन, एन को हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक और एस को हम लोग पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन। मतलब जो बाद में लिखा है उसको पहले पढ़ेंगे और जो पहले लिखा है उसको बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इस पे रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये इसका क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। और हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इस SN1 का मतलब मैं क्या पढ़ूंगा? तो इसका नाम होता है यूनिमोलिकुलर। वन मतलब क्या होता है? यूनिमोलिकुलर। और फिर आगे तो आपको पता ही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं, उसके बाद हमारे पास जो अगला रिएक्शन होगा इसमें वो होगा SN2। तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? देखो, 2 लिखा है और 2 का मतलब यहां पर हो जाएगा हमारे पास बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी सारे रीजन हम बहुत अच्छे से जानेंगे कि सर इसको यूनिमोलिकुलर क्यों कह रहे हैं, इसको बाईमोलिकुलर क्यों कह रहे हैं, ये सारी बातें करने वाले हैं। फिर हमारे पास एक कैटेगरी आती है SNI की। SNI में हम लोग क्या करने वाले हैं? इंटरनल, आई स्टैंड फॉर इंटरनल या फिर इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है? अगला जो हमारे पास इसमें पार्ट है वो है हमारे पास बहुत ही फेमस रिएक्शन NGP रिएक्शन। अब देखो, ये NGP जो क्लास ऑफ केमिस्ट्री है, ये आपके चाहे आप IIT जैम एग्जाम कह लो, चाहे आप गेट एग्जाम कह लो, नेट एग्जाम कह लो, या फिर इवन जब IIT जेई का आप एडवांस वगैरह की बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ रिएक्शन है। इसका फुल फॉर्म होता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, या फिर हम इसको एंकीमेरिक असिस्टेंस, इस तरीके से बहुत सारे नाम है इसके। वन ऑफ द फेमस नाम इज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो हमारी जो पूरी कहानी चलने वाली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, कुछ इसी ही तरीके से चलेगी, जिसमें सबसे पहले हम एल्काइल हैलाइड की केमिस्ट्री खत्म करेंगे, जिसको इस सीक्वेंस में लेके जाएंगे,
फिर हम कंपैरिजन भी करेंगे SN1 SN2 के बीच में, फिर हम लोग कंपैरिजन करेंगे और भी डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस होंगी, फिर अल्कोहल में SN1 SN2 पढ़ेंगे, फिर ईथर में SN1 SN2 पढ़ेंगे। जब हम इस क्लास को खत्म कर देंगे सैचुरेटेड कार्बन एटम वाली को, फिर हम आएंगे यहां पर जब कार्बोनिल कार्बन पर हम अटैक करवा के देखेंगे कि आखिरकार किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। बात समझ में आ रही है कि तो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी केमिस्ट्री एल्किल हैलाइड की SN1 रिएक्शन के साथ। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एल्किल हैलाइड में। हमारी जो सबसे पहली रिएक्शन है वो है SN1। अब आपके सामने मैं यहां पर सबसे पहले एक रिएक्शन लिखूंगा और उस रिएक्शन लिखने के बाद मैं यहां पर कुछ डिफरेंट पॉइंट लिखता जाऊंगा और वो सारे ही पॉइंट उस रिएक्शन से ही संबंधित होंगे। ये हमारा भी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा, फिर आप क्वेश्चंस करने के लायक बनोगे। देखो SN1 की अगर मैं बात करता हूं तो अभी भी मैंने बताया फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इस बात पर ध्यान देना जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। मैं यहां पर एक रिएक्शन लिख रहा हूं, रिएक्शन आपके पास कुछ ऐसी है। यहां पर सबसे पहले आपके पास क्या है, एल्किल हैलाइड है, सिंपल सी बात है, एल्किल हैलाइड सब्सट्रेट हमारे पास सबसे पहले, और एल्किल हैलाइड से यहां पर फॉर्मेशन हो जाता है किसका, कार्बोकैटायन का, ठीक है। और कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन होने के बाद यहां पर अगले स्टेप पर क्या आता है, न्यूक्लियोफाइल आता है और वो न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैक करता है और यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है कुछ RNU। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखना इस लाइन से ही मैं कितनी सारी बातें आपको बताने वाला हूं, इस लाइन को ही बहुत अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले स्टेप पे क्या हुआ, सबसे पहले स्टेप पे लीविंग ग्रुप बाहर निकला इस तरीके से, यहां पर क्या फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकैटायन। ये जो पहला स्टेप है ये आपके पास स्लोएस्ट स्टेप होता है। अब यहां से कहानी शुरू है और स्लोएस्ट स्टेप आपको अच्छे से पता है RDS स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो ये आपके पास नंबर 1 स्टेप है, यहां से लेके यहां तक ये आपका नंबर 2 स्टेप है। और ये कैसा स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है क्योंकि दोनों ही क्या है, चार्ज स्पीसीज है और आपके पास यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। अब मैं सिर्फ इतनी ही सी बात के साथ बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट बातें एक एक करके बताने जा रहा हूं। आपको ध्यान के रखना है, सबसे पहले सब्सट्रेट से आपने कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया और फिर आपके पास अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ और यहां पर प्रोडक्ट बना। अब अगर हम यहां पर इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट बात में आपको यह पूछना चाहूंगा कि मुझे बताइएगा ये कितने स्टेप रिएक्शन है। सबसे पहली बात हमें यह समझनी है ये कितने स्टेप रिएक्शन है। तो हम बोलेंगे सर ये हमारे पास कितने स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है, जिसमें हमारे पास पहला स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है, या फिर आप बोल सकते हो लीविंग ग्रुप का बाहर निकलना, दोनों का मतलब एक ही है। और दूसरा स्टेप क्या है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक, न्यूक्लियोफाइल अटैक। तो SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। अब आपका सवाल आ रहा है कि सर आखिरकार इसका नाम SN1 क्यों है अगर ये 2 स्टेप में हो रही है। तो सुनो, किसी भी रिएक्शन का स्टेप डिसाइड नहीं करता कि SN1 है कि SN2 है, यहां पर जो डिसाइड करता है वो फैक्टर है, मॉलिक्यूलरिटी फैक्टर। आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। तो यहां पर मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, आप बोलोगे सर जो मॉलिक्यूलरिटी होती है किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वो उसका स्लोएस्ट स्टेप डिसाइड करता है और उसके स्लोएस्ट स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहां पर इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से इस रिएक्शन को हम SN1 कह रहे हैं। कुछ समझ में आया, सारी चीजों को एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है क्योंकि मैं ये कुछ भी पॉइंट आपको रटा नहीं रहा, मैं सारे पॉइंट आपको समझा रहा हूं। 2 स्टेप रिएक्शन दिख चुका है, मॉलिक्यूलरिटी 1, RDS स्टेप में, स्लोएस्ट स्टेप में आपके पास एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए वो रीजन था। अब हम थोड़ा सा अच्छे लेवल पे जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइएगा जो यहां पर रेट है रिएक्शन का, वो रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। आप बोलोगे सर किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बताता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब स्लोएस्ट स्टेप बताएगा और इसके स्लोएस्ट स्टेप में सिर्फ एक ही पार्टिसिपेशन है, वो एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल का पार्टिसिपेशन है। तो हम बोलेंगे यहां पर जो रेट है वो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड कह लो या फिर आप हेलो एल्केन कह लो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो यहां से एक बात निकल के आ रही है कि जो रेट होता है, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर रेट सिर्फ डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, तो हम बोल सकते हैं रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ
नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। न्यूक्लियोफाइल चाहे वीक हो, न्यूक्लियोफाइल चाहे स्ट्रांग हो, फर्क नहीं पड़ता है, SN1 रिएक्शन हो जाएगा। चाहे आप वीक न्यूक्लियोफाइल ले लो, चाहे आप स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल ले लो, वहां पर SN1 के रिएक्शन रेट पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इतनी बातें समझ में आ रही है करके? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ेंगे तो हम बोल सकते हैं यहां पर जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू होकर जा रही है, और इसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है उसका नाम है कार्बोकैटायन। ये वाली बात एक तरफ, और जो अभी तक जितनी मैंने बातें बताई हैं वो सारी एक तरफ। तो जब भी आपके पास SN1 की बात हो तो आपके पास चुपचाप से दिमाग में ख्याल आ जाना चाहिए कार्बोकैटायन का, क्योंकि यही वो बात है जिस पर पूरी की पूरी केमिस्ट्री डिपेंड करने वाली है आने वाले रिएक्शंस की, जो भी SN1 से रिलेटेड होंगे। अगर ये कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो पक्की बात है कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। अगर कहीं पर रीअरेंजमेंट होगा तो वहां पर रीअरेंजमेंट आपको जरूर करवाना है, मतलब रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट होती है। याद करो, जब मैंने आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था जब भी कार्बोकैटायन बनता है तो आपको रीअरेंजमेंट जरूर देखना पड़ता है, क्योंकि यही अधिकतर जो क्वेश्चंस होंगे उसमें रीअरेंजमेंट का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आपको थोड़ी बहुत इसका ज्ञान होना चाहिए, और रीअरेंजमेंट ऐसा टॉपिक है जो अच्छों को समझ में नहीं आता, ठीक है? तो इसको प्रैक्टिस करके रखना, ठीक है? ये बात हो गई। अब इसी के साथ थोड़ा सा टिपिकल वाले पार्ट पे जाते हैं। मैं अवॉइड कर रहा था अभी तक, लेकिन अब बताते हैं। वो है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। देखो, इतना हार्ड नहीं है जितना आप इसको बनाते हो। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको बहुत क्लियर पिक्चर देता है रिएक्शन का। देखो, अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी होती है और यहाँ पर हमारे पास होता है रिएक्शन प्रोग्रेस। अब आपको अच्छे से पता है स्टार्टिंग में यहाँ पर हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। स्टार्टिंग में खुद कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी, तो हम बोल देंगे ये जो इतनी एनर्जी है वो किसकी एनर्जी है, रिएक्टेंट की खुद एनर्जी है, जो कि उसमें पहले ही ऑलरेडी एज अ पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट थी। तो ये रिएक्टेंट एनर्जी है इतनी, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोलेंगे यहां पर हमारे पास क्या है, आर है। अब हमारे पास यहां पर क्या होगा, एक्टिवेटेड स्टेट होगा। मतलब ये कौन सा स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है। तो सबसे पहले यहां से यहां तक जो आप एनर्जी लगा रहे हो, इस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन वो एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल को उसके ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाती है। अब क्योंकि इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है, तो यहां पर आप पहले इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करोगे, और हमेशा इंटरमीडिएट की एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू ट्रांजिशन स्टेट। तो आपने ऐसे दिखाया, फिर आपके पास यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और लास्ट में फाइनली आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। फिर से समझो, ये वाली बात मैंने रिएक्शन इंटरमीडिएट में बताई थी। सबसे पहले आपका ट्रांजिशन स्टेट बना, तो ये आपके पास है TS1। फिर आपके पास यहाँ पर क्या बना, रिएक्शन इंटरमीडिएट, और फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट के बाद यहाँ पर फिर क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट 2, और फाइनली यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। हम लोगों ने बात कर रखी थी कि जो हमेशा रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट होते हैं वो ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन इंटरमीडिएट से एक ज़्यादा होते हैं। यदि कहीं पर आपके पास अगर एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो वहां पर दो ट्रांजिशन स्टेट होंगे ही होंगे। इस बात को आप और अच्छे से समझ सकते हो इस कहानी को। कैसे समझोगे, यहां देखो, सबसे पहले R और X का बॉन्ड टूटेगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1 बनेगा यहां पर इन दोनों के बीच में। अरे बात समझ में आ रही है। फिर अब देखो, जब आपके पास यहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया, यहां पर कार्बोकैटायन बन गया, तो अब आपके पास इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट होगी, तो फिर से क्या होगा, यहां पे ट्रांजिशन स्टेट 2 होगा और फाइनली आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। कहानी समझ में आ रही है? तो इसको हम बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब सुनो, कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट के चांसेस हैं, और अगर कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट के चांसेस हैं तो ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है ये फर्दर अपनी एनर्जी नीचे कर सकता है। वो रीजन सिर्फ क्या होगा, अरे क्या वहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट एक से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं, वहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट एक से ज्यादा नहीं हुए हैं। वहां पर कार्बोकैटायन ने रीअरेंजमेंट करके अपने आप को ज्यादा स्टेबल फॉर्म में बनाया है। किसी भी रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट हमेशा एक ही होता है, ट्रांजिशन स्टेट एक से ज्यादा हो सकते हैं।
बहुत इंटरेस्टिंग बातें, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको इतनी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। अब हम इस रिएक्शन को नहीं मिटाएंगे, मतलब दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। अगर आज एसन वन रिएक्शन में पढ़ा रहा हूं तो ये बात तो आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। अगर ये बात आपको याद नहीं होगी तो जितने भी पॉइंट में ये समझा रहा हूं ये पॉइंट नहीं आने वाले। जितने भी पॉइंट सारे सारे इस रिएक्शन से आ रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, कार्बोटेन का फॉर्मेशन करना है। उसके बाद फिर आपको सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक करके प्रोडक्ट बनाना है। तो इतना मतलब समझ के चलना है कि दो स्टेप रिएक्शन है जिसमें पहले कार्बोटाइन बना है और फिर अटैक करवाया है, और इस रिएक्शन की जो जान है वो क्या है, कार्बोटाइन का फॉर्मेशन। तो अब हम इससे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की तरफ, ठीक है। अब देखो इसमें एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आपके पास एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है और फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है और ऐसे ही आपके पास 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, जरा ध्यान से समझिएगा, ये आपका डिफरेंट डिफरेंट एल्किल हैलाइड है। तो जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आपके पास CH3 और यहाँ पर X, ये आपके पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर X 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, और यहाँ CH3CH2X 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, और लास्ट में आप एक मिथाइल हैलाइड ले रहे हो। अब इसमें आपसे अगर रेट पूछा जाए कि बताइए डिफरेंट एल्किल हैलाइड का रेट क्या होगा, तो मैंने आपको बोला है SN1 रिएक्शन में जब भी आपको कुछ समझ में आएगा तो एक पॉइंट समझ में आएगा, कार्बोटाइन फॉर्मेशन। और जब भी कोई सवाल होगा आपको हर सवाल को कार्बोटाइन से रिलेट करना है। अब इन सब में क्या कर रहा है, आपसे रेट पूछ रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करो, इन सब में कार्बोटाइन बना लो, बिकॉज आरडीएस स्टेप जो है वही हमेशा बताता है चीजों को। तो आपने सबसे पहले इन सब में कार्बोटाइन बना लिया, देखो यहां पर प्लस आ गया, यहां पर प्लस आ गया, यहां पर प्लस आ गया और यहां पर प्लस आ गया। अब आपको अच्छे से पता है कार्बोटाइन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, तो ये तीन एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे। तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल जो कार्बोटाइन है वो ये वाला कार्बोटाइन है, और जितना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन होगी उतना ज्यादा रिएक्शन में यहां पर बनने के चांसेस होंगे, उतना ही ज्यादा आपका रेट फास्ट होगा। तो हम बोलेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का रेट सबसे फास्ट होता है, फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का होता है, फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का होता है, और लास्ट में आपके पास होता है मिथाइल हैलाइड। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जितने भी हम पॉइंट्स डिफरेंट डिफरेंट निकाल रहे हैं वो सिर्फ इस लाइन की वजह से निकाल पा रहे हैं। अब मान लो आपसे पूछा जाए रेट ऑफ डिफरेंट सबस्ट्रेट कुछ ऐसे हों, आपके पास RI, RBR, RCl और यहां पर RF है, इसमें आपको बताना है कि किस एल्काइल हैलाइड का रेट सबसे फास्टर होगा। तो यहां पर हम लोग चेक करेंगे लीविंग ग्रुप की लीवेबिलिटी, हम जब यहां से निकालेंगे तो R प्लस I माइनस बनेगा, यहां से BR माइनस बनेगा, यहां से CL माइनस बनेगा, यहां से F माइनस बनेगा। इन सब में जो कार्बोकटाइन है वो सब क्या है, कॉमन है, R प्लस इसमें क्या है, कॉमन है, बस यहां पर चेंज किस में आ रहा है, यहां पर I माइनस लीविंग ग्रुप है, यहां पर BR माइनस लीविंग ग्रुप है, यहां पर CL माइनस लीविंग ग्रुप है और यहां पर F माइनस लीविंग ग्रुप है। तो हम लोग यहां पर जो बता पाएंगे वो कार्बन की स्टेबिलिटी से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सब में ही कार्बोटाइन सेम बन रहे हैं, लेकिन हम यहां पर लीविंग ग्रुप की लीवेबिलिटी पे, देखो यहां पर लीविंग ग्रुप ये I माइनस निकल रहा है और I माइनस के ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। मैंने जस्ट आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा था लीविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है उसके साइज पे, तो इसका साइज बहुत बड़ा है, इस पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो इसका रेट भी सबसे ज्यादा होगा। तो इस वाले केस में आपके पास रेट यहां पर ऐसा हो जाएगा, पॉइंट समझ पा रहा है। तो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप पर भी डिपेंड करती है सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जहां पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे किस तरीके से रिएक्शन हमारे पास डिपेंड करती है, दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं, एक होते हैं पोलर सॉल्वेंट और एक होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट को आप साइड कर दो, पोलर सॉल्वेंट भी दो होते हैं, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। आपके पास यहां पर क्या है, RX है। आपका सबसे पहला सवाल तो यही आ रहा होगा कि सर आपने यहां पर आयनाइजेशन कैसे करा दिया, तो सुनिएगा यहां पर होता क्या है, आपके पास वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे और वाटर मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होता है OHH, यहां पर इस तरीके से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, कंटेनर में। यहां पर R पर पार्शियल पॉजिटिव आ गया होगा और इस पर नेगेटिव आ गया होगा पार्शियल, ये क्यों आया, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, आपको पढ़ा था मैंने, ये एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेसिटी खींचेगा तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर नेगेटिव आ जाएगा। अब सुनिए ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसके द्वारा स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये क्या है, डाइपोल है, इस तरीके से वाटर पर डाइपोल होता है इस तरीके से, यहां पर
इस पॉइंट को समझना है, यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव और यहां पर भी इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं जो आयनाइजेशन का मेन फैक्टर है वो मेन फैक्टर होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आयनाइजेशन करवाता है, क्या करवाता है? आयनाइजेशन मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग करवाता है आरएक्स की। और ये सिर्फ आयनाइजेशन ही नहीं करवाता, ये जो यहां पर आपके पास आयन बनेगा उसको स्टेबिलिटी भी प्रदान करता है। बात समझ में आ रही है? कैसे? जब आपके पास यहां पर बॉन्ड तोड़ोगे तो बॉन्ड तोड़ के क्या बनेगा? आर पॉजिटिव बनेगा और क्या बनेगा? प्लस एक्स नेगेटिव। अब आपको पता है वाटर के पास दो पार्ट हैं, तो यहां पर तो आपके पास चारों तरफ कौन आ जाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से आ जाएंगे ऑक्सीजन वाले पार्ट से, चारों तरफ इसको घेर लेंगे और यहां पर बनने वाले कार्बन क्या कर देंगे? स्टेबलाइज कर देंगे। और ऐसे ही इसको भी स्टेबलाइज कर देंगे इस तरीके से। तो मतलब जो आपके पास सॉल्वेंट होता है वो सिर्फ सॉल्वेंट क्या करता है? आयनाइजेशन नहीं करवाता, इट ऑल्सो प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू दी आयंस। तो अब सवाल ये है कि सर ये जो वाटर है ये कैसा सॉल्वेंट है? अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूं तो ये वाटर कैसा सॉल्वेंट है? वाटर एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो यहां से आप याद कर लेना कि जो भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो आपके पास SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं। और यहां से मैंने रीजन भी दिया कि आखिरकार ये आयनाइजेशन कैसे हुआ, आप लोग बहुत देर से कंफ्यूज हो गए, तो वो रीजन एक्चुअली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं, नोट में एक बात समझते हैं। बात सिंपल सी ये है हमारे पास कि जो Ag+ आयन होते हैं एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर SN1 रिएक्शन। Ag+ आयन क्या होते हैं? एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर SN1 रिएक्शन। कैसे? अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है RX इस तरीके से, अगर यहां पर आप सामने क्या ले लोगे? AgNO3 ले लोगे, तो AgNO3 से क्या आएगा? Ag+ आएगा यहां पर Ag+, और उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और यहां पर आपके पास क्या है? लोन पेयर। ये लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में जाएंगे और X पर पॉजिटिव आएगा और ये बाहर निकल के आपके पास क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा सा बन जाएगा, कार्बोटाइन। वो सभी कैटलिस्ट जो कि कार्बोटेन का फॉर्मेशन करवा सकें वो SN1 रिएक्शन को फेवर करेंगे। बात समझ में आ रही है? इसकी ही तरह हम लोग बात कर सकते हैं, यदि हम यहाँ पर AlCl3 ले लें, लेविस एसिड ले लें, तो इस वाले केस में भी सेम टू सेम वही बात होगी, यहाँ पर भी कार्बोटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसकी जगह अगर हम सुपर एसिड ले लें, सुपर एसिड में क्या होता है? SbF5 होता है, तो यहाँ पर भी कार्बोटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब ये सभी SN1 रिएक्शन को फेवर कर सकते हैं क्योंकि इसमें कार्बोटेन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि SN1 रिएक्शन का मतलब ही क्या है? कार्बोटेन का फॉर्म होना। तो आप AgNO3 ले सकते हो, AlCl3 ले सकते हो, SbF5 ले सकते हो, इसको ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि देखने से पता नहीं चलता है, लेकिन ये बातें याद रखने से आप समझ जाओगे वहां पर SN1 रिएक्शन ही होती है। ठीक है, तो अभी हमने सबस्ट्रेट की बात की, लिविंग ग्रुप के नेचर की बात की, नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात की, और हमने एक इंपॉर्टेंट बात समझी, ये भी एज अ कैटलिस्ट बढ़ सकते हैं जिससे कार्बन का फॉर्मेशन होगा, SN1 रिएक्शन होगी। अब हम बात करते हैं कि अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल जो है वो सॉल्वेंट ही ले लें तो उस समय उस रिएक्शन का नाम क्या होता है और कैसे रिएक्शन होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। देखो, सब्स्टिट्यूशन में जो सबसे मेन बात होती है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री ही होती है, जहां पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कब SN1 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है, SNI में क्या होता है, SNNGP में क्या होता है। तो अब हम SN1 के बारे में और बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि यदि हम लोग सॉल्वेंट को ही एज अ न्यूक्लियोफाइल ले लें, देखो सॉल्वेंट जब एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है तो हमारे पास उस रिएक्शन का नाम होता है सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। तो यहां से हमें एक बात समझ में और आ रही है कि जो सॉल्वोलिसिस रिएक्शन होती है वो SN1 रिएक्शन ही होती है। तो हमेशा आप याद रखना, और सॉल्वेंट कौन से वाले लोगे आप? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। एग्जांपल लेते हैं, यदि आपके पास H2O सॉल्वेंट हो तो रिएक्शन का नाम होता है हाइड्रोलिसिस। वहीं पर यदि आपके पास एल्कोहल ROH एज अ सॉल्वेंट हो तो यहां पर नाम होगा रिएक्शन का एल्कोहलोलिसिस। और वहीं पर यदि आपके पास CH3C डबल बॉन्ड OH तो इसका नाम होता है एसिटोलिसिस।
ठीक है। और ये तीनों ही हमारे पास क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब देखो थोड़ा सा मैं इसके मैकेनिज्म के बारे में बताता हूं। देखो सिंपल क्या है, आपके पास यहां पर सब्सट्रेट है CH3, यहां पर आपके पास क्या है X। तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट इनका आयनाइजेशन होगा। ये बात समझ में आ रही है अब तो अच्छे से? अगर मैं आयनाइजेशन की बात कर रहा हूं तो आपको ये बात एकदम क्लियर है कि सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। और अगर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगा तो आपके पास यहां पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3, यहां पर CH3 और यहां पर प्लस। पॉइंट समझ में आ गया? अब देखो अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर आपके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। एक बार तो आप यहां पर H2O को एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा सकते हो, यहां पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, तो आपके पास यहां पर क्या जाएगा CH3, यहां पर CH3 ऑक्सीजन और यहां पर प्लस H। अब देखो अगले स्टेप में H+ को हम निकाल देंगे तो मैं यहां से ही हटा देता हूं, क्योंकि H+ का आना और H+ का जाना दिल पर नहीं लेना है। ऐसे ही आप यहां पर ROH अल्कोहल को ले सकते हो, तो आपके पास यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 और यहां पर आ जाएगा OR, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। लास्ट में अगर आप यहां पर बात करोगे तो आप यहां पर ले सकते हो CH3C OH। देखो यहां पर लोन पेयर इस जगह था और यहां पर लोन पेयर इस जगह है, तो आपके पास फाइनली क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3CCH3CH3O C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब सॉल्वेंट खुद इटसेल्फ एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करते हैं उन रिएक्शन को सॉल्वोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं। और सॉल्वोलिसिस रिएक्शन क्या होती हैं, SN1 रिएक्शन होती हैं। तो मैंने दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताई, एक तो ये सॉल्वेंट वाली और एक AgNO3 सुपर एसिड या लेविस एसिड भी वहां पर कार्बोडाइन बनाते हैं जिसकी वजह से SN1 रिएक्शन देखने को मिलती है। अब इन सब बातों से थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री की जब बात आती है तो दिमाग में सिर्फ चलना चाहिए 3D ओवरव्यू, किसी भी रिएक्शन का 3D ओवरव्यू क्या है, स्पेस में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या होंगे। आपके पास सबसे पहले मैं सबस्ट्रेट बनाता हूं, इस सबस्ट्रेट को मैं कुछ ऐसा बनाता हूं, यहां पर आपके पास क्या है R है, यहां पर भी R है ऐसे, और यहां भी आपके पास R है, और यहां पर आपके पास X है। आपको पता है X क्या होगा, एज अ लिविंग ग्रुप होगा, हैलोजन्स होते हैं X, लिविंग ग्रुप होते हैं, तो ये आपके पास एक सबस्ट्रेट है। तो सबसे पहले इस सबस्ट्रेट में आप क्या करोगे, कार्बोडाइन बनाओगे। सिंपल सी बात है, जब आप इसको लिविंग ग्रुप को बाहर निकालोगे तो सबसे पहले ये क्या है, एक टेट्राहेड्रल सबस्ट्रेट है। हाइब्रिडेशन क्या है आपके पास, sp3 है। तो जब आप इसका निकाल दोगे तो तीन बॉन्ड बचे हैं, तो अब आपके पास फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, जरा ध्यान देखना, कार्बन यहां पर R और यहां पर R और यहां पर आपके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो देखो जब आप यहां से यहां कर रहे हो तो ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये जो प्लेनर वाली बात है इसको अंडरलाइन लगा लो, ये जो स्पीसीज है ये कैसी है, प्लेनर स्पीसीज है। और जब भी कोई प्लेनर स्पीसीज होती है, याद करो मैंने जब कार्बोडाइन पढ़ाया था रिएक्शन इंटरमीडिएट में, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऊपर से भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक नीचे से भी हो सकता है, ऐसा समझो। ये आपके पास कार्बोडाइन प्लेनर स्पीसीज है, न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी अटैक कर सकता है, मतलब तो यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी और यहां पर आपके पास रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाएगा। रेसमिक मिक्सचर क्या होते हैं, रेसमिक मिक्सचर होते हैं एनेंशियोमर्स 50% 50%, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोल देंगे रेसमाइजेशन। तो अगर हम एक वर्ड में बोलें कि स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन क्या होती है, तो हम बोलेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन रेसमाइजेशन होता है। और रेसमाइजेशन में एनेंशियोमर्स बनते हैं 50% 50%। अब ये बात और समझनी है कि जो रेसमाइजेशन होते हैं, मैंने 50% 50% बोल तो दिया, लेकिन ये 12th क्लास तक ही अच्छा लगता है। जब 12th क्लास के बाद हम हायर क्लास में जाते हैं, बीएससी लेवल पे जाते हैं, एमएससी लेवल पे जाते हैं, तब यहां पर एक टर्म आता है कि जो रेसमाइजेशन होगा वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कंप्लीट रेसमाइजेशन और एक होता है इनकंप्लीट रेसमाइजेशन। तो
अब हम लोगों को बात करनी है रैसमाइजेशन, जिसमें पहले हमें कंप्लीट रैसमाइजेशन को समझना है और फिर हमें समझना है इनकम्प्लीट रैसमाइजेशन को। देखो पॉइंट क्या है, अगर मैं कंप्लीट रैसमाइजेशन की बात कर रहा हूं तो आपके पास जो दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे, ये भी आपके पास 50% होगा और ये भी आपके पास 50% होगा। मतलब ये दोनों आपस में क्या है, एनेंशियोमर्स हैं, और जब एनेंशियोमर्स 50% इक्वली होते हैं तो इसी को हम बोलते हैं रैसमिक मिक्सचर, और इसी को हम बोल देंगे कंप्लीट रैसमाइजेशन। तो सर इनकम्प्लीट रैसमाइजेशन का मतलब क्या है? देखो भाई, इनकम्प्लीट रैसमाइजेशन का मतलब होता है कि जो दोनों प्रोडक्ट का परसेंटेज है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आना। तो हमें इस रीजन को ढूंढना है कि सर इनके परसेंटेज में आखिरकार वेरिएशन किस वजह से आ रहा होगा, और अगर वेरिएशन आ रहा है तो उस वेरिएशन का रीजन बता दो सही तरीके से कैसे है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने टर्म इनकम्प्लीट रैसमाइजेशन की, अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करते हैं और फिर हम बात करते हैं कुछ स्पेशल रिएक्टिविटी सब्सट्रेट है कि कहां कहां पर SN1 को नहीं सोचना है। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने इस सवाल से। सवाल क्या है, व्हाई इन्वर्जन प्रोडक्ट डोमिनेट ओवर रिटेंशन इन रैसमाइजेशन। एक्चुअली जो ये सवाल है, ये सवाल ही अपने आप में एक और सवाल खड़ा कर जाता है इनकम्प्लीट रैसमाइजेशन का, कि जब जहां पर इनकम्प्लीट रैसमाइजेशन हुआ होगा तभी तो आपके पास इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या है, मेजर होगा, और रिटेंशन क्या होगा, माइनर होगा। तो सबसे पहले यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है कि सर इन्वर्जन और रिटेंशन क्या है। देखो अगर मैं इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों टर्म की बात करता हूं तो इन्वर्जन का मतलब होता है जहां पर आपके पास लिविंग ग्रुप था, लिविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या जाते हैं, अपोजिट आ जाते हैं। मतलब सब्सट्रेट में जो आपके पास लिविंग ग्रुप होगा, प्रोडक्ट में आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल होगा, वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और वहीं पर रिटेंशन की बात करते हैं तो जो लिविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल हैं, ये दोनों क्या होंगे, सेम जगह पर होंगे, सेम पोजिशन पर होंगे। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझो इन्वर्जन और रिटेंशन का मतलब क्या है। अब बोला क्या है कि इन्वर्जन प्रोडक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिटेंशन। देखो इसका फंडा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको रिएक्शन समझाऊंगा तो रिएक्शन में क्या होता है, यहां पर आपके पास एनर्जी होती है और यहां पर आपके पास क्या होता है, रिएक्शन प्रोग्रेस होता है। तो सबसे पहले आपने यहां पर क्या ले लिया, RCl ले लिया, सब्सट्रेट ले लिया। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनाना है, और ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसा बन जाएगा RCl, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, अरे बॉन्ड टूटेगी ना। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है, यहां पर बॉन्ड टूटेगी, सिंपल सी बात है। ये पॉइंट ही समझना है, जब आपके पास बॉन्ड टूट रही है तो यहां से अब आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल के पास एक ही पॉसिबिलिटी होती है इसको बैक साइड से अटैक करने का, क्योंकि यहां से तो क्या कर रहा है, लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, इस पर भी नेगेटिव है, मतलब लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो यहां से आपके पास कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो बैक साइड अटैक फेवरेबल, कुछ कुछ समझ में आया। तो फिर आपके पास फाइनली यहां पर क्या जाएगा, कार्बोटाइन वगैरह बनके प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आप यहां पर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, मतलब पॉइंट समझो ध्यान से, ये वाला फंडा समझो बहुत अच्छे से, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। आपके पास सबसे पहले सब्सट्रेट था, ठीक है, बॉन्ड तो टूटेगी पक्की बात है, और बॉन्ड टूटते टूटते ही फिर आपके पास क्या बनेगा, कार्बोटाइन बनेगा, और फिर आपके पास फाइनली एंड में क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। पॉइंट ये है मेरा कि जब बॉन्ड टूट रही होगी तो सॉल्वेंट को ऐसा तो बोलोगे नहीं कि अब रुक जाओ, अब अटैक करो, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कंटेनर में ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो जैसे ही बॉन्ड टूट रही होगी तो वो तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहां पर पॉसिबिलिटी इसकी बैक साइड अटैक ज्यादा की है। तो आपके पास, या ऐसे कह लो जो रेट ऑफ रैसमाइजेशन होगा, इस पॉइंट को समझो, जो रेट ऑफ रैसमाइजेशन होगा, रेट ऑफ रैसमाइजेशन ज्यादा तब होगा, मतलब कंप्लीट रैसमाइजेशन की तरफ तब जाएगा जितना ज्यादा आपके पास मोर स्टेबल कैटायन होगा। जितना आपके पास ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ज्यादा आपके पास क्या होगा, कंप्लीट रैसमाइजेशन होगा। और अगर आपके पास ज्यादा स्टेबल कार्बोटाइन नहीं है तो आपके पास इन्वर्जन प्रोडक्ट ज्यादा मेजर आ रहा होगा, रिटेंशन कम आ रहा होगा। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो यार, आप सोच रहे होगे सर सबसे पहले इसकी बॉन्ड टूटेगी, इससे कार्बोटाइन बनेगा, कार्बोटाइन बनने के बाद फिर अटैक करेगा सॉल्वेंट, क्यों भाई,
मतलब जो हम अभी तक सोच रहे थे 12 तक पढ़ा था बिल्कुल सही बात थी, लेकिन अगर असली कहानी बात करें तो यहां पर आयन पेयर है ना, ये वाला, ये जो आयन पेयर है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेसमाइजेशन की तरफ कम जाएगा, मतलब इक्वल 50% के चांसेस नहीं होंगे। या तो आप ऐसे समझ लो, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब स्टार्टिंग में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप भी तो निकल रहा होगा, तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो ज्यादा उस साइड से आएगा जहां से लिविंग ग्रुप निकल रहा है, उसके जस्ट अपोजिट से। तो जस्ट अपोजिट का मतलब ही इन्वर्जन होता है। तो उम्मीद करता हूं मैं इस बात को समझाने में कामयाब हूं। बाकी और डिटेल में समझना है तो आप बुक्स वगैरह रेफर कर सकते हो, वहां पर बहुत अच्छे से पैराग्राफ में लिखा हुआ है। बाकी आप इस पॉइंट को इतना यहां पर समझो, मतलब एक चीज दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि हमेशा रेसमाइजेशन कंप्लीट होता है, मतलब 50% इन्वर्जन होता है और 50% रिटेंशन होता है, ऐसा नहीं होता। यही मैं समझा रहा हूं, ठीक है, ये वाली बात हो चुकी है। अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास ब्रिज हेड पोजिशन। जो हमारे पास ब्रिज हेड पोजिशन होती है, ब्रिज हेड पोजिशन पर अगर हमारे पास कोई लिविंग ग्रुप मौजूद हो, तो वहां पर कभी भी SN1 रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। तो पहले समझते हैं क्या मैं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास कुछ ऐसा है और यहां पर Cl है और सामने न्यूक्लियोफाइल है, तो आप सोच रहे होंगे Cl की जगह यहां पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मैं इसके रीजन की बात करता हूं तो एकमात्र रीजन यही है कि SN1 जो रिएक्शन होती हैं उसमें कार्बोकैटायन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, और यहां पर जो ये कार्बोकैटायन बना है ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल कार्बोकैटायन है ड्यू टू ब्रेट्स रूल। आप लोगों ने ब्रेट्स रूल पढ़ा है, ब्रेट्स रूल के अकॉर्डिंग यही तो होता है, ब्रिज हेड पोजीशन पर कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और एल्कीन पॉसिबल नहीं होता। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, पॉइंट एकदम क्लियर है, तो इस बात को कभी भूलना मत। ब्रिज हेड पोजीशन पर कभी भी SN1 रिएक्शन फेवरेबल नहीं होती। अब हम कुछ एक दो पॉइंट्स और समझते हैं।